आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट डार्क करना सिखाऊंगा कि आपने प्रिंट जो है वो डार्क जो है वो उसको कैसे करना है। ये 5755 फोटो कापी मशीन है और ये है जी इसका प्रिंट। अभी मैं आपको इसकी कॉपी करके दिखाता हूँ। याद रखें कि जो ये जो सेटिंग है ये 5735 से लेकर 90 तक एक ही सेटिंग है। और ये देखें इसका जो प्रिंट आ रहा है, ये देखें कि इसका जो प्रिंट है वो कितना ज़्यादा जो है वो मध्यम आ रहा है। ये ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, ये ओरिजिनल है। अब देखें कि ये इसका प्रिंट जो है वो कितना मध्यम सा आ रहा है। तो इसको आपने डार्क कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ। ये आ गया जी प्रिंट। आपने सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग में जाना है और यहाँ पर 1934 पासवर्ड देना है। प्रोग्राम को लगाना कैसे, ये हैश और लॉगिन वाला बटन आपने दोनों इकट्ठे दबाने इस तरह। यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है 1934, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने आना डाइग्रेसिंग रूटीन में, कॉपी रूटीन में, और 131 नंबर फाइल में आने के बाद आपने आना रोज़ से 6 नंबर फाइल में। ये लिखा हुआ है रोज़, ये इमेज NVM इसकी सेटिंग है। इसको आपने ये देखें 2400 है और नीचे 5000 है, इसको आपने बढ़ा देना है। अगर आपका ड्रम ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर आपको इसको जो है वो मैक्सिमम 6000 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगा 4500 तक सेव करूँगा, और इसको मैं करूँगा 7500 करने के बाद इसको मैं करूँगा सेव। अब आते हैं 9 नंबर फाइल में। 9 नंबर फाइल में आने के बाद यहाँ पर चार्जर ग्रिड है, इसकी वॉल्यूम जो है वो मैं करूँगा 450 है, लेकिन इसको मैं 450 ही रखूँगा, लेकिन जो ओरिजिनल होती है वो 420 होती है। इसको क्लोज आउट करते हैं। अब देखें कि इसकी जो पहले वाला प्रिंट जो था वो ये है, ये देखें ये वाला प्रिंट जो पहले वाला है। अब मैं इसकी दूसरी की कापी निकालता हूँ। अब देखें कि इसका जो प्रिंट है वो कितना काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया होगा। सबसे पहले जो आपने प्रिंट की सेटिंग करनी है वो इसको नॉर्मल पे, इसको जो आपने अगर फ़ोटो एंड टेक्स्ट पे है तो इसको आपने टेक्स्ट पे रख के फिर जो है वो कॉपी करनी है। टेक्स्ट पे रखा, कॉपी, स्टार्ट वाला बटन दबाया। अब देखें जो आप जो कॉपी का रिज़ल्ट आता है वो देखें, ये देखें जी अब इसका प्रिंट देखें, और ये जो पहले वाला प्रिंट है वो देखें, ये देखें कि ये कितना मध्यम है, और उसके बाद जो ये प्रिंट आया है ये देखें कि ये कितना बेहतर है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हैं, अगर किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।